हेलो दोस्तों, मैं दीपिका आप सबका मैकेनिकल स्टडी की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज अपन मैथ से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अपन शुरुआत करें उससे पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं अपन नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग। हम शुरुआत कर रहे हैं अपना मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। फर्स्ट थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी होती है मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड इनके रिगार्डिंग, कि आपको कभी भी ट्रिक फॉलो नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी बेसिक स्ट्रोंग है, कि कोई भी इंसान अगर आपको ट्रिक बता रहा है दैट मीन्स वो अपने कंसेप्ट बता रहा है। क्योंकि अगर किसी के बेसिक अच्छे हैं, जिसने हर जो भी अपना टॉपिक है उसको अच्छे से समझा है, तो वो क्या करेगा, उस बेसिक को समझ के क्वेश्चन लगा लेगा। अगर 10 तो 11वें क्वेश्चन में उसका खुद का कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाता है। तो जो भी आपको कोई ट्रिक बता रहा होता है इंसान, वो अपनी ट्रिक बताता है क्योंकि उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद उसने वो ट्रिक बनाई है खुद के लिए। तो आप उस ट्रिक को रटो, उससे बेटर है आप अपने बेसिक अच्छे बनाओ, उससे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो अपने आप। आपकी एक ही सेम पैटर्न के अगर आप 10 क्वेश्चन लगा लेते हो ना, तो 11वें क्वेश्चन में खुद आपको ये लगता है कि हाँ ये मेरी खुद की ट्रिक है, और वो आप कभी भूलते भी नहीं हो। अगर कोई दूसरा आपको ट्रिक बताता है तो वो आपको रटनी पड़ेगी। वहीं अगर आपने खुद की ट्रिक बना ली है तो डेफिनेटली आप उसको एग्जाम में नहीं भूलोगे और क्वेश्चन बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर जाओगे। अपने आप आपका टाइम जो कंजम्पशन है इसमें क्वेश्चन करने में, वो अपने आप रिड्यूस होता चला जाएगा। तो बेसिकली जो आपको करना है वो ये करना है, अपने बेसिक समझो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर उस बेसिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जितने क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे उतने ही आपकी जो थ्योरी है वो क्लियर होती चली जाएगी। ट्रिक को कभी भी फॉलो मत करो, क्योंकि माना ट्रिक से मान लिया आपने 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सही हो गए, पर 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि आपके बेसिक अच्छे नहीं है। तो ट्रिक का फ़ायदा क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ट्रिक याद रहती भी नहीं है। पर अगर आपके खुद के कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं, बेसिक आपके अच्छे हैं, तो क्वेश्चन को कितना भी घुमा दिया जाए आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा अपने बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स अच्छे करो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ट्रिक अपने आप बन जाएगी उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपकी। तो आज अपन मैथ्स में शुरुआत करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की। ठीक है, नंबर सिस्टम की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताऊंगी। वैसे तो वो हमें बेसिकली पता होने चाहिए, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर उनको डिस्कस कर लेती हूँ जो बहुत ही बेसिक लेवल से है। तो हम शुरुआत करेंगे काफ़ी बेसिक से। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। यानी कि प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर में वो नंबर्स आते हैं जिनको हम काउंटिंग में डेली यूज लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके इनफिनाइट तक। मैंने क्या बनाया यहाँ पर, आपको बताया कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम डेली काउंटिंग में यूज लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एंड इनफिनाइट तक। यहाँ पर 0 को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो नेचुरल नंबर मैंने बताए 1, 2, 3, 4 से लेके इनफिनाइट तक जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ये इक्वल्स टू होगी जो नेचुरल नंबर है उसमें प्लस अगर हम ऐड कर दें 0 तो वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या या होल नंबर। जो नेचुरल नंबर्स थे उनमें अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो 0, 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक, तो ये नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्या। थर्ड जो नंबर है वो हमें याद रखना है, वो है इंटीजर नंबर। यानी कि पूर्णांक संख्या। ठीक है, जो पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर नंबर है, वो सारी
नंबर्स को इंक्लूड करता है जिनमें प्लस माइनस दोनों के साइन को हम इंक्लूड करें। नेचुरल नंबर में हमने सिर्फ प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इंक्लूड किए हैं, जबकि इंटीजर नंबर में हम सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल माइनस इन्फिनिटी से लेके -4, -3, -2, -1, 0, फिर प्लस 1, 2, 3 ले से लेके इन्फिनाइट तक। मतलब जो इंटीजर नंबर है उसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो सब इंक्लूडेड होती है किसमें, इंटीजर नंबर में। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव साइन की वैल्यू, जबकि इंटीजर नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन की वैल्यूज़ को इंक्लूड किया गया है। इंटीजर नंबर के बाद में नेक्स्ट जो नंबर हमें याद रखना है वो है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या या इसको दूसरा नाम हो सकता है यौगिक संख्या, या इसको बोलते हैं भाज्य संख्या के नाम से भी इसको जानते हैं, या इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं, या इसको संयुक्त, तीनों नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे? तो जो कंपोजिट नंबर्स हैं उसमें कौन कौन सी संख्याएं इंक्लूड होते हैं, कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, ठीक है? तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो वन से और बहुत सारे नंबर से भी डिविजिबल हो। वे नेचुरल नंबर्स जो कि वन और खुद के अलावा, क्या बोला मैंने कि वो नेचुरल नंबर्स जो वन और खुद के अलावा अन्य डिजिट से भी डिविजिबल हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए, एग्जांपल लेते हैं जैसे 4, तो जो 4 है वो डिविजिबल है किस किस से, 1 से है डेफिनेटली, 4 से है, उसके अलावा 2 से भी है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले 6 जो है वो डिविजिबल है किस से, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं, 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 2 केवल डिविजिबल है 1 से और 2 से, यानी कि 1 से और खुद से डिविजिबल है। तो 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि 1 से और खुद के अलावा अन्य डिजिट से भी डिविजिबल हो, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो कंपोजिट नंबर है कौन से, 4, 6, 8, 10, 9, ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर होंगे। 9 डिविजिबल 1 से भी है, 3 से भी है और 9 से भी है, ठीक है? तो ये कौन से हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट होते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर हमें याद रखना है वो है प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 और खुद के अलावा अन्य डिजिट जो भी हैं उनसे डिविजिबल हो, तो वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर जिनको हम बोल सकते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं, ये वो नंबर होंगे जो कि सिर्फ किससे डिविजिबल हो, 1 से और सेल्फ से। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो 1 और खुद के अलावा अन्य डिजिट से भी डिविजिबल होते हैं, जबकि प्राइम नंबर सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल 2 सिर्फ डिविजिबल है किससे, ये एग्जांपल हो गए इसके, 2 जो है वो डिविजिबल है सिर्फ 1 और 2 से, 3 है डिविजिबल 1 और 3 से, 5 डिविजिबल है सिर्फ 1 और 5 से, 7 डिविजिबल है सिर्फ 1 और 7 से, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो क्या बताया हमने, प्राइम नंबर की बात की। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ डिवाइड हो सकती है सेल्फ से और 1 से, इनके डिविजिबल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 1, 2, 2, 1 और 3। भाज्य संख्याओं को हम दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं कि जिनके फैक्टर पॉसिबल है, जैसे 4 के फैक्टर बन सकते हैं, 6 के फैक्टर बन सकते हैं। यहाँ पर 2 का फैक्टर नहीं बनेगा, 3 का नहीं बनेगा, 5 का नहीं बनेगा, तो प्राइम नंबर वो हो गए जिनके फैक्टर नहीं होते और इनके फैक्टर पॉसिबल है, यानी कि इनके गुणनखंड बनाए जा सकते हैं,
जबकि प्राइम नंबर के नहीं बनेंगे। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो जो 2 है वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2, क्योंकि हमें 2 के लिए लगता है कि 2 क्या होगा, कंपोजिट नंबर, पर 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो है 2। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर, नेक्स्ट है को प्राइम नंबर यानी कि सह, को प्राइम नंबर में क्या होगा, हमें नेक्स्ट जो डेफिनेशन याद करनी है वो है को प्राइम नंबर, जिसका है सहभाज्य नंबर यानी कि संख्या। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो को प्राइम नंबर है वो क्या बताते हैं, जब भी 2 नेचुरल नंबर का, ठीक है, उनमें क्या होगा, कॉमन जो फैक्टर है वो केवल 1 ही हो, तो वो क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे 2 और 5 की बात करें, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1। इनके अगर फैक्टर बनाएं तो 2 का फैक्टर होगा 1 × 2, इसके फैक्टर होंगे 1 × 5, तो इन दोनों में जो फैक्टर्स हैं इनमें से कॉमन क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन हो, तो वो क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि 4 और 9, इसके फैक्टर होंगे 1, 2 और 2, इसके फैक्टर होंगे 1, 3 और 3, तो इनमें से कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1। ठीक है, तो 4 और 9 भी मिलके क्या बना रहे, एक को प्राइम नंबर है। इंडिविजुअल अगर इनको देखा जाए तो 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं को प्राइम नंबर की, यानी एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, उन ग्रुप में उनका कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 ही होना चाहिए, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाएगा। 4 और 9 यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो ग्रुप है वो क्या कहला रहा है, को प्राइम नंबर, क्योंकि इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो केवल क्या है, 1। तो ये डेफिनेशन हुई को प्राइम नंबर की। इनको रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर अपन। यहाँ पे अपन ने डिस्कस की सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं, वो कहलाती है जो 1 से लेके इन्फिनाइट तक डायरेक्ट अपन यूज करते हैं। होल नंबर वो कहलाती है जिनमें अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर देंगे तो वो कहलाएगा होल नंबर। फिर हमने बात की इंटीजर की, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की सारी वैल्यूज जिनको हम लाइन पर इंडिकेट करते हैं वो सारी वैल्यू क्या कहलाती है, इंटीजर नंबर या फिर पूर्णांक संख्याएं, जो कि होंगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। फिर हमने बात की कंपोजिट नंबर की, जो क्या होगी, 1 और खुद के नंबर के अलावा अन्य डिजिट से भी डिविजिबल हो तो वो कहलाती है कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ डिविजिबल हो खुद से और 1 से। फिर हमने बात की को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 नंबर का ऐसा ग्रुप होता है जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इवन नंबर्स, इवन नंबर, ओड नंबर। हम बात करेंगे इवन नंबर और ओड नंबर की। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। जो इवन नंबर है सम, वो होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं जो कि 2 से डिविजिबल हो वो कहलाती है इवन नंबर, और ओड नंबर होती है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ये इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, यहाँ पे 0 भी आया, 0, 2, 4, 6, 8, 10, जबकि ओड नंबर वो होंगे जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, अब हमेशा अगर याद रखना है कि अगर हम एक इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा
जो आउटपुट हमें मिलेगी वो भी एक इवन नंबर ही होगी। फॉर एग्जांपल 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8, अगर ओड नंबर में हम ऐड करेंगे ओड नंबर को, फॉर एग्जांपल 1 में ऐड किया 5 को तो 6, तो इससे भी हमेशा क्या मिलेगी, इवन नंबर। मतलब हमने क्या पढ़ा कि अगर हम इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करेंगे तो भी हमें इवन नंबर मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। ओड में ओड को ऐड करेंगे तो भी इवन मिलेगा, अगर हम ऐड करें ओड में इवन को, फॉर एग्जांपल 3 में 4 को ऐड किया तो 7, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, ओड नंबर। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि इवन नंबर में अगर हम इवन नंबर को ऐड करते हैं, 4 में 6 कर दो, 10 में 12 कर दो, तो हमेशा हमें इवन नंबर ही मिलेगा। ओड में भी ओड को ऐड करेंगे तो भी इवन नंबर, लेकिन ओड में अगर हम इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा हमें मिलेगा ओड नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम रेशियो के फॉर्म में रख सकें, मतलब पी बाई क्यू या ए बाई बी, हम रेशियो के फॉर्म में जिसको इंडिकेट कर सकते हैं वो सब क्या कहलाती है, रैशनल नंबर्स कहलाती है। ठीक है, जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सके। यहाँ पर क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। क्या बताया, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जैसे कि 1/3, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये 1/3 ये भी एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि उसको 1/1 लिख सकते हैं। 2 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं। 1.46 ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको 146/100 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पॉइंट, यानी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, डेसिमल की अगर बात करें, दशमलव की बात करें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो डिजिट समझनी है, एक तो रैशनल नंबर, एक होती है इरेशनल नंबर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम बता रहे हैं यहाँ पर, यानी कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि जिस तरीके से हमने परिमेय संख्या की डेफिनेशन दी कि p बाई क्यू का जो रेशियो होता है वो क्या बताता है, हमेशा रैशनल नंबर को बताता है। तो p बाई क्यू, यहाँ पर q जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जितनी भी हमारे पास नंबर्स हैं वो सब होंगे रैशनल नंबर, क्योंकि अगर 1/3 है तो रैशनल है, केवल 1 है तो भी वो रैशनल नंबर है, केवल अगर इस फॉर्म में 1 है तो मतलब 1/1 तो 2/1। अब क्या डिफरेंस होगा रैशनल और इरेशनल नंबर में? ठीक है, तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें वो नंबर इंक्लूड होते हैं जिनका कोई फिक्स एंड ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन सी, e की वैल्यू, पाई की वैल्यू। ठीक है, इन सब का क्या होता है, कोई फिक्स एंड नहीं होता, इसलिए e और पाई जो वैल्यू है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर हमने कोई भी डिजिट लिखी थी, ठीक है, तो इसको हमने बता दिया रैशनल नंबर में, जबकि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें ई और पाई का जिक्र हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो क्या हो, ऐसे नंबर्स जिनका टोटल जो स्क्वायर संख्या है पॉसिबल नहीं होती है, वो भी क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, हमेशा ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही, यहाँ पे पॉइंट जो है वो ये याद रखना है कि जो रैशनल नंबर है उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू जीरो नहीं होगी, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और इरेशनल नंबर की अगर बात है तो ध्यान रखना होगा जहाँ पर भी ई और पाई का जिक्र होगा, क्योंकि इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इनमें जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसलिए हमारे फिक्स नंबर नहीं होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं।
हम इन सबको और अच्छे से समझेंगे जब हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे तब। अभी इस डेफिनेशन को देख लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे तब इसको और अच्छे से अपन समझ लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमने नंबर सिस्टम में पूरे पूरे जितने भी नंबर्स थे वो यहाँ डिस्कस कर लिए, जितने बेसिक नंबर थे। हमने यहाँ पर बात की इवन नंबर, ओड नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इनके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा इसी में, नंबर सिस्टम में ही कंटिन्यू करेंगे हम।